नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NP फ्री स्टाइल में। दोस्तों, दीपावली आने वाली है और आज हम दीपावली के बारे में, दीपावली के इतिहास के बारे में, क्यों मनाते हैं दीपावली, इस बारे में कुछ खास बातें करेंगे। भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया है। दिवाली का मतलब होता है दीपों की अवली यानी पंक्ति। इसी प्रकार दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित इस त्यौहार को दीपावली कहा जाता है। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से प्रकाशमय कर देता है। दीप जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण या कहानियां हैं। यूँ तो हिंदू मान्यताओं में राम भक्तों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर तथा असुरी प्रतियों के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीपमाला जलाकर महोत्सव बनाया था। इसीलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। और कृष्ण भगवान के भक्तों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था और इस राक्षस के वध से जनता इतनी खुशी हुई जनता को कि उन्होंने अपने घरों में घी के दीपक जलाए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इस दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी जी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे। जैन धर्मों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म दिवस भी दीपावली को ही है। सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। नेपालियों के लिए भी ये त्यौहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म व महाप्राणायन दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट आवसन लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, हिंदुओं में इस दिन लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय प्रत्येक घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी का, विघ्न विनाशक गणेश जी का और विद्या एवं कला की देवी मातेश्वरी सरस्वती देवी की जी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी अर्धरात्रि में महालक्ष्मी जी स्वयं भूलोक में आती है और प्रत्येक के घर में विचरण करती है। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाशित होता है वहाँ अंश रूप में ठहर जाती है और गंदे स्थानों की तरफ देखती भी नहीं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली बनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से सदगृहस्थों में निवास करती है। त्योहारों का जो वातावरण धनतेरस से प्रारंभ होता है वह इस दिन पूरे चरम पर आता है। यह पर्व अलग अलग नाम और विधानों से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि इसी दिन अनेक विजय श्रीयुक्त कार्य हुए हैं। बहुत से शुभ कार्यों का प्रारंभ भी इसी दिन से माना गया है। इसी दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य तिलक हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है, यानी यह एक नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। और इसी दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली बनाने के कारण एवं तरीके अलग अलग है, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्यौहार चला आ रहा है। लोगों में दीपावली की बहुत उमंग होती है। लोग अपने घरों का कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ के उपहार एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं,
घर घर में सुंदर रंगोली बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। छोटे बड़े सभी इस त्यौहार में भाग लेते हैं। ये पर्व सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला एक ऐसा विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक संस्कृति व सामाजिक विशिष्टता रखता है। अंधकार व प्रकाश की विजय का ये पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी ये प्रस्तुति आप ज़रूर बताना, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल NP Freestyle को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।